फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग एक बार फिर से बीपीएससी टीआरई 4.0 बिहार प्राथमिक शिक्षक कक्षा 1 से 5 तक के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट देखने जा रहे हैं। वॉल्यूम 2 बुक है ये रुक्मिणी पब्लिकेशन का, और टोटल जो है इसमें 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। और फ्रेंड्स, आज का जो सेशन लेके आए हैं, इस सेशन में हम लोग इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखने जा रहे हैं, ठीक है। और इससे पहले का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 अपलोड किया गया है, अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप लोग यहां से देख लीजिए, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं, अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है, ठीक है। फ्रेंड्स, चैनल पर अगर नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। फ्रेंड्स, पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल ब्लेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा रिवीजन के लिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो है इसमें देखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज से जो क्वेश्चन दिया गया है उसको। तो इसमें जो पैसेज दिया हुआ है फ्रेंड्स, इस पैसेज को जो है पहले आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। इस पैसेज को जो है आप लोग पहले देख लीजिएगा, और उस बेस पे जो क्वेश्चन बना हुआ है उस क्वेश्चन को जो है हम लोग कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो दिया है इसमें कह रहा है यूज ऑफ प्लीज एंड थैंक यू इंडिकेट्स। 5 ऑप्शन दिया गया है, और सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुड अपब्रिंगिंग एंड गुड मैनर्स। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका, बिल्कुल सही। सेइंग द राइट थिंग एट द राइट टाइम इंश्योर दैट, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वी आर कर्टियस। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। एन एक्ट ऑफ इनवाइटिंग समवन बिकम्स डिसकर्टियस इफ, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वी गेट इट डन बाय एन असिस्टेंट, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, और वो वर्ड है इग्नोर। इग्नोर वर्ड का क्या करना है, तो एंटोनिम वर्ड जो है वो चूज करना है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नोट। देखिए इग्नोर का जो मतलब होता है फ्रेंड्स, वो होता है नज़रअंदाज करना, ठीक है। क्या होता है इसका अर्थ, तो इसका मतलब होता है नज़रअंदाज करना, इग्नोर का मतलब। और इसका क्या करना है, एंटोनिम यानी कि उल्टा जो है इसका वर्ड चूज करना है, तो उल्टा इसका नोट हो जाएगा। नोट का मतलब क्या होता है, नोट का मतलब होता है ध्यान देना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें मीनिंग ऑफ डिसकर्टेसी जो है दिया हुआ है यहाँ पे, इसका मीनिंग जो है कह रहा बताने के लिए, ऑप्शन नंबर सी जो दिया हुआ है एन एक्सप्रेशन ऑफ लैक ऑफ रिस्पेक्ट, ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। और उसके बाद चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसको देखेंगे, दिया है इसमें सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आई साइंड दिस साइंस प्रोजेक्ट, ब्लैंक है लंदन दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर इसका जो है वो ऑप्शन नंबर सी इन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे इन हो जाएगा, इन लंदन, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चूज द मोस्ट सुटेबल इंग्लिश ट्रांसलेशन, सेंटेंस दिया गया है वह 4 घंटे से पढ़ रहा है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेट जो करेंगे तो वो हो जाएगा ही हैज़ बीन रीडिंग फॉर 4 आवर्स, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा बिल्कुल सही। उसके बाद दिया गया है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, और वह है वीकनेस एंड पुअर हेल्थ। इसके लिए क्या करना है, वन वर्ड जो है यहाँ पे चूज करना है, तो वो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है फ्रैल्टी, ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पे, ठीक है, क्या हो जाएगा, फ्रैल्टी हो जाएगा। फ्रैल्टी का मतलब क्या होता है, दुर्बलता होता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा क्या होता है, तो दुर्बलता होता है, तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद अब हिंदी लैंग्वेज का जो क्वेश्चन है, पहले गद्यांश को जो है आप लोग पहले पढ़ लीजिए, ठीक है, इस गद्यांश को जो है पहले आप लोग पहले पढ़ लीजिएगा पूरा, और उसके बाद जो है इस पे जो क्वेश्चन बना हुआ है इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 दिया है इसमें कह रहा है कि विपरीत परिस्थितियां कारण है, विपरीत परिस्थितियां कारण है, किसका कारण है, तो मानवीय गुणों के विकास का, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा बिल्कुल सही। मनुष्य को सोने जैसा शुद्ध बनाने में सहायक है, मनुष्य को सोने जैसा शुद्ध बनाने में सहायक है, तो वह हो जाएगा आंतरिक दृढ़ता, आंतरिक दृढ़ता, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर।
अगला प्रश्न है, विपत्तियों के बीच अपना मार्ग बना लेने की क्षमता कब उत्पन्न होती है? कब उत्पन्न होती है? तो ये कष्टों से जूझ कर उत्पन्न होती है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी है इस क्वेश्चन का सही आंसर। लौह इस्पात बन जाता है, कथन का आशय क्या है? लौह इस्पात बन जाता है, इस कथन का क्या आशय है? तो इस कथन का जो आशय है वह है सबल अति सबल बन जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? सही आंसर है मन और शरीर की दृढ़ता, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट दिया है इसमें, कह रहा है कि दिए गए गद्यांश में से कुछ शब्द हटा दिए गए हैं, संबंधित प्रश्नों में प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो देखिए मोह मन की उसके बाद एक में देखिए यहाँ जो दिया गया है इसका ब्लैंक है, कह रहा है का घोतक है जिसमें मनुष्य, फिर दो ब्लैंक है, के कारण सत्य को तीन ब्लैंक है, मैं चार, फिर ब्लैंक हो जाता है, मोह के कारण हमारी चेतना पर ममत्व का, फिर पांच नंबर में दिया हुआ है यहाँ पे चढ़ जाता है। तो कह रहा है कि गद्यांश के रिक्त स्थान एक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द, यहाँ पे जो है कौन सा शब्द जो है उपयुक्त हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर जो सी दिया है यहाँ पे क्या हो जाएगा? दशा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? दशा हो जाएगा। उसके बाद जो अगला प्रश्न हो जाएगा इसमें 15 नंबर, गद्यांश के रिक्त स्थान दो के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? तो उपयुक्त शब्द जो है वहां पे क्या हो जाएगा? भ्रम हो जाएगा। फ्रेंड्स आप लोग फिल कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो दिया गया है इसमें कह रहा है कि गद्यांश के रिक्त स्थान थ्री के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा, सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए पहचानने हो जाएगा। गद्यांश के रिक्त स्थान चार के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा? तो वह हो जाएगा असमर्थ, ऑप्शन नंबर ए। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्यांश के रिक्त पांच के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द पूछ रहा है, तो वह हो जाएगा आवरण, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा होगा? कौन सा उपयुक्त शब्द होगा? तो वह है अभिप्सा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे किस, यह किसका प्रसिद्ध कथन है? यह किसका प्रसिद्ध कथन है? तो यह कथन है अमीर खुसरो का, ऑप्शन नंबर जो बी दिया है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो है इस प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न नंबर 21। ठीक है, कह रहा है इसमें कि अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है? अपभ्रंश भाषा का कौन सा काल है? तो इसका काल हो जाएगा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को बीज वपन काल नाम किसने दिया? बीज वपन नाम किसने दिया था? तो ये नाम दिया था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, ऑप्शन नंबर जो सी दिया है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। जैसे वह आया वैसे ही चला गया, इस वाक्य में अधोरेखित शब्दों का सर्वनाम का प्रकार लिखिए, यानी कि किस प्रकार का सर्वनाम है? तो यह हो जाएगा देखिए संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। खुमान रासो किसकी प्रसिद्ध रचना है? खुमान रासो किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो यह दलपति विजय की प्रसिद्ध रचना है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी दिया है इस क्वेश्चन का यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में? तो यह है दादी से चला नहीं जाता, इसमें जो है भाववाच्य वाक्य हो जाएगा ये, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा। यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में तो फ्रेंड्स इसमें अव्ययी भाव समास है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और उसके बाद जो अगला प्रश्न हो जाएगा, कह रहा है कि निम्न में से विराम चिन्ह का प्रकार कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? तो उपदेशक जो है यह विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा बिल्कुल सही। जैसे बहे बयार पीठ तब तैसी दीजिए का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है समय का रुख देख कर काम करना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सही। अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? अभिज्ञान शाकुंतलम जो है पूछ रहा है यहाँ पे कि किसकी रचना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि अभिज्ञान शाकुंतलम जो है फ्रेंड्स यह रचना है कालिदास की। ठीक है, यह रचना किनकी है? तो यह रचना है कालिदास की, जो कि ऑप्शन में देखिए नहीं दिया गया है, तो इसलिए उपर्युक्त में से इसका कोई नहीं आंसर हो जाएगा।
और चलिए अब नेक्स्ट जो हो जाएगा यहाँ से जनरल स्टडीज़ का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्रम में इसका जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है इसमें कि वर्ष 1943 में आज़ाद हिंद फौज यानी कि INA अस्तित्व में आई कहाँ पे इसकी स्थापना करी गई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी सिंगापुर में, ठीक है, कहाँ पे हुई थी, सिंगापुर में जो है इसकी स्थापना हुई थी। और आज़ाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय जो है वह रास बिहारी बोस को दिया जाता है, ठीक है, किसको दिया जाता है, तो रास बिहारी बोस को दिया जाता है। फ्रेंड्स याद रखिएगा आप लोग, तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण जनपद में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य है, चंपारण जनपद में तिनकठिया प्रथा का क्या तात्पर्य है। तो सही आंसर जो है वह है कि किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, तिनकठिया प्रथा का यही तात्पर्य है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नांकित को सुमेलित कीजिए, एक तरफ अधिवेशन दिया गया है और दूसरे तरफ जो है उससे संबंधित विषय दिया गया है, और क्या करना है, तो सही मिलान करना है। तो सही मिलान जो ऑप्शन नंबर बी दिया है ये हो जाएगा, यानी ए का 3 है, बी का 1, सी का 2 और डी का 4 हो जाएगा। ए का 3 का मतलब है नागपुर कांग्रेस अधिवेशन जो है इसमें क्या था विषय, तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है इसमें लाया गया था। बी का 1 लाहौर कांग्रेस अधिवेशन जो है इसमें पूर्व स्वराज का प्रस्ताव दिया गया। सी का जो है 2 हो जाएगा, कराची कांग्रेस अधिवेशन जो है इसमें मौलिक एवं आर्थिक प्रस्ताव दिया गया था। और लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन जो है इसमें गरम दल और नरम दल में जो है एकता हुआ था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न जो दिया गया है इस प्रश्न को देखते हैं, निम्न में से किन्हें आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है, किन्हें आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है, तो ये कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है इसका सही आंसर है, महात्मा गांधी का अंतरात्मा रक्षक किसे कहा गया है, किसे कहा गया है, तो ये कहा गया है गोपाल कृष्ण गोखले को। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। किस गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी पढ़ाई की शुरुआत करवाई, किस गवर्नर जनरल ने, तो यह शुरुआत करवाई थी लॉर्ड बेंटिक के द्वारा जो है इसकी शुरुआत कराया गया था। याद रखिएगा बेंटिक ने कर्नल सलीवन की सहायता से सन 1830 ईस्वी तक जो है ठगी प्रथा को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। तो इस फैक्ट को भी आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का है बिल्कुल सही आंसर। सुभाष चंद्र बोस का कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति के रूप में निर्वाचन हुआ था, कब निर्वाचन हुआ था, तो ये हुआ था हरिपुरा अधिवेशन में, ठीक है, हरिपुरा अधिवेशन में। और सुभाष चंद्र बोस ने 1938 के हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी 1938 ईस्वी में, याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस चार्टर एक्ट के द्वारा सिविल सेवकों के चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया, किस चार्टर एक्ट के द्वारा, तो ये जो है चार्टर एक्ट 1853 के तहत जो है प्रयास किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि किस आंदोलन को अगस्त क्रांति के रूप में भी जाना जाता है, किस आंदोलन को, तो ये भारत छोड़ो जो आंदोलन हुआ था इसको अगस्त क्रांति के रूप में भी जाना जाता है 1942 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा बिल्कुल सही। चलिए अब अगला प्रश्न जो है इस प्रश्न को देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इनमें से कौन सा कथन सही है, तो सही कथन है कि बाल विवाह निरोधक अधिनियम सन 1929 में पारित किया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, देखिए यहाँ से जो है अब मैथ का क्वेश्चन है, तो मैथ का और रीजनिंग का क्वेश्चन जो है आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद जो अगला प्रश्न हो जाएगा, कह रहा है कि सूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं, मध्य रेखा पर स्थित होते हैं, माइटोसिस के उस चरण का नाम बताने के लिए कह रहा है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, मेटाफेज, ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा, कह रहा है कि हरे और स्वच्छ उत्पादन का लक्ष्य क्या है, हरे और स्वच्छ उत्पादन का लक्ष्य, तो इसका लक्ष्य है अपशिष्ट न्यूनतमीकरण, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समुद्री ककड़ी निम्नलिखित में से किसे इंगित करता है, किसे इंगित करता है, तो यह इंगित करता है एक समुद्री अकशेरुकी जीव को, ऑप्शन नंबर जो ए दिया है, ठीक है। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया, किस वर्ष में जो है इसे लागू किया गया था, तो इसे 1974 ईस्वी में लागू किया गया था फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही।
पृथ्वी द्वारा कार्बन को अवशोषित करने की क्षमता क्या कहलाती है? पृथ्वी द्वारा कार्बन को अवशोषित करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है कार्बन स्पेस, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही आंसर। निम्न में से किसकी वैश्विक तापन क्षमता सर्वाधिक है? तो वह हो जाएगा देखिए SF6 यानी कि सल्फर हेक्सा फ्लोराइड की। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका सही। और चलिए अब अगला प्रश्न जो है इस प्रश्न को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एक जाति या इसकी समष्टि में कुल आनुवांशिक विविधता को क्या कहते हैं, इसे क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसे जीन पूल कहा जाता है, याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और जीन जो है यह डीएनए का बना होता है। जीन किसका बना होता है? डीएनए का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक कौन है? तो करेक्ट आंसर इसका रेडॉन गैस हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने सुझाया था कि पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है? यह किसने सुझाया था? तो ये सुझाव था मिलुटिन मिलानकोविच के, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है? तो यूट्रोफिकेशन जो है यह वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किन महान आदर्शों का उल्लेख है? तो इसमें देखिए विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया था? तो यह स्वीकार किया गया था बम्बई अधिवेशन, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान में उल्लेखित निम्नलिखित में से कौन सा कथन धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में असत्य है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है कि इसमें उल्लेख है कि राज्य का अपना धर्म होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। निम्नलिखित में से किस समिति ने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश की थी? तो सही है स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। और चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया गया है कि संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश विधेयक 2022 निम्न में से किस राज्य पर लागू होता है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य पर लागू होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है सही। भारतीय कृषि में जायद के ऋतु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन हो जाएगा कि यह रबी की ऋतु के बाद प्रारंभ होती है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अशोधित मृत्यु दर क्या है? तो वह है 7.1%, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोरापुट जिले में पंचपतमाली भंडार निम्नलिखित में से किस खनिज के भंडार है? तो यह है बॉक्साइट के, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दक्षिणी भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलते हैं? तो ये नीलगिरी की पहाड़ियां के पास जो मिलती है, ऑप्शन नंबर ए है इसका सही। साल, बबूल और बांस जो उष्ण कटिबंधीय वन के प्रकार है में वार्षिक वर्षा की मात्रा कितनी है? तो इसमें हो जाएगा देखिए 51 सेंटीमीटर से 151 सेंटीमीटर तक, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में क्या होगा? तो वह हो जाएगा देखिए न्यूनतम से द्वितीय, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है? तो बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है? 918 हो जाएगा। ठीक है, कितना है? 918। और सबसे कम लिंगानुपात वाला जो राज्य की अगर बात किया जाए तो वह है हरियाणा। ठीक है, वह कौन सा राज्य है? तो वह है हरियाणा। यहाँ पे लिंगानुपात क्या है? तो 879 हो जाएगा। ठीक है, 879, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? तो 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए जो है 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही। ठीक है,
अब चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, बिहार राज्य की स्थापना कब की गई थी। बिहार राज्य की स्थापना, तो बिहार राज्य की स्थापना जो है वह 1912 ईस्वी में हुई थी। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। भारत के किस शहर में 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक की मेजबानी किया गया है। भारत के किस शहर में ये किया गया है, तो ये किया गया है फ्रेंड्स याद रखना है कोची में। कहाँ पे? कोची में, जो कि ऑप्शन नंबर ए है इसका सही। हाल ही में इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। हाल ही में इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो प्रबोवो सुबियांतो जो है ये इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ भारत के सबसे लंबे केबल स्टे ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया है। कहाँ पे इसका उद्घाटन हुआ है, तो ये हुआ है द्वारका में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाल ही में पंकज उधास का निधन हो गया है, जो किस क्षेत्र से संबंधित थे, जो किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक है, उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए पंकज उधास जो है यह एक गायक थे और ऑप्शन में जो है गायन क्षेत्र कहीं पर भी नहीं दिया गया है, तो इसलिए क्या हो जाएगा इसका, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। टाइफून गेमी का नाम किस देश द्वारा दिया गया है। टाइफून गेमी का नाम किस देश द्वारा दिया गया है, तो ये दिया गया है दक्षिण कोरिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तित होने वाली प्रकाश किरण के लिए विचलन कोण किसके बीच निर्मित होता है, किसके बीच में निर्मित होता है, तो ये निर्मित होता है आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, कह रहा है कि दो इंजनों के एक दूसरे के पार करने की स्थिति में प्रेक्षक यानी कि ऑब्जर्वर को क्या प्रतीत होगा, क्या प्रतीत होगा, तो तारत्व में कमी जो है प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अनुदैर्ध्य तरंग संचरण में विरलन के स्थानों पर माध्यम का घनत्व व दाब सामान्य अवस्था की तुलना में क्या होता है, तो दाब जो है वो क्या होता है, कम होता है। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा सही आंसर है। बायोडीजल के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो इसमें ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन प्रक्रिया अपनाई जाती है। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद होते हैं, तो ये परमाणु की सबसे बाह्य कक्षा यानी कि बाहरी कक्षा में मौजूद होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में इसका सही आंसर दिया गया है। भोजन में लवणों की मुख्य भूमिका क्या होती है, भोजन में लवणों की मुख्य भूमिका क्या होती है, तो थोड़ी मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाना, जो कि भोजन के पाचन में सहायक होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी के मुकदमे की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश का नाम क्या था, तो उस न्यायाधीश का नाम था न्यायमूर्ति सी एन ब्रूमफील्ड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृतियों के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान किया था, उपरोक्त कथन किसका है, उपरोक्त कथन किसका है, तो ये कथन है महात्मा गांधी का, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, तो वह लौटे थे जनवरी 1915 ईस्वी में। ठीक है, 9 जनवरी 1915 ईस्वी को जो है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, और उसी की याद में जो है भारतीय प्रवासी दिवस जो है मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए है इसका सही। निम्नलिखित में से किसने कहा था रॉलेट एक्ट एक निवारक हत्या है, ये किसने कहा था, तो ये एडविन सैमुअल मॉन्टिग्यू के द्वारा जो है कहा गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सर्वोपरि सत्ता की नीति किसने दी थी, सर्वोपरि सत्ता की नीति किसने दी थी, तो यह नीति जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा दिया गया था। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन नहीं है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन नहीं है, तो वह हो जाएगा कि एक सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य पहली बार कब शामिल किए गए थे, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य पहली बार कब शामिल किए गए थे, तो ये शामिल किया गया था 1976 ईस्वी में। ठीक है, 1976 ईस्वी, वर्ष 1976 में संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। और उसके बाद जो अगला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न नंबर 104,
देखिए इसमें कह रहा है कि मूल अधिकारों पर क्या क्या प्रतिबंध लगा सकते हैं, मूल अधिकारों पर क्या क्या प्रतिबंध लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा बी और सी दोनों सत्य है, बी और सी दोनों, यानी कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्राप्त मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकते हैं और अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ शेष मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है? तो देखिए सातवां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 जो है यह राष्ट्रपति शासन में परिवर्तन से संबंधित है, यह कथन सही नहीं है, क्योंकि सातवां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1956 ये राज्यों का पुनर्गठन से संबंधित है, राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है ये, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, संविधान के किस भाग को, तो भाग तीन को जो है भारत का क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा, और संविधान के भाग तीन के अनुच्छेद 12 से 35 तक में जो है मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में अधिकांश लोहा तथा इस्पात उद्योग संकेंद्रित है, भारत के किस क्षेत्र में, तो यह है छोटा नागपुर का जो पठार क्षेत्र है वहीं पे, ऑप्शन नंबर बी है सही आंसर। केरल की सबसे लंबी नदी भरतपुजा का दूसरा नाम क्या है, जो पश्चिम से बहती है और अरब सागर में गिरती है, अरब सागर में गिरती है, इसका दूसरा नाम क्या है, तो पोनानी है, याद रखना है ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे वन्य घुरखर अभयारण्य घोषित किया गया है, तो ये घोषित किया गया है कच्छ के रण को, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तारों के विभिन्न समूहों द्वारा निर्मित विभिन्न पैटर्न क्या कहलाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, नक्षत्र कहलाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी है सही। भारत के इनमें से किस राज्य में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है, भारत के किस राज्य में, तो यह मौजूद है आंध्र प्रदेश में, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। असत्य कथन की पहचान कीजिए, असत्य कथन की पहचान, तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया है कि सेबी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को विनियमित करने के लिए खुले बाजार की क्रियाएं करती है, यह कथन असत्य हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इसमें क्वेश्चन नंबर 113, देखिए फ्रेंड्स कह रहा है कि हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन जो है इनमें से सही है, सत्य कथन कौन सा है इसमें से, तो ऑप्शन नंबर सी एक और दो दोनों हो जाएगा। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग जो है सर विलियम गोंड ने किया था और नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस बल के कारण भारत में दक्षिणी गोलार्ध की व्यापक पवने विषुवत वृत्त को पार करने के बाद दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहने लगती है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा कोरियोलिस बल, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है, किस राज्य के द्वारा इसे शुरू किया गया, तो झारखंड राज्य, ऑप्शन नंबर बी है सही आंसर। पीएम दक्ष योजना के तहत प्रति प्रशिक्षु कितना वेतन मुआवजा प्रदान किया जाता है, तो यह प्रदान किया जाता है 3,000 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है सही आंसर। अगला प्रश्न है, लोंगटे महोत्सव किस राज्य की नेसी जनजाति द्वारा मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न जो दिया गया है इसमें कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है, कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है, तो ये स्थापित किया जा रहा है गुजरात में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। उसके बाद वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2023 में भारत का स्थान रहा है, इसमें भारत का क्या स्थान रहा है, तो इसमें भारत का याद रखना है, भारत का जो है इसमें इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि भारत का जो है इसमें 111वां स्थान था, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। एशियाई विकास बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अपेक्षित विकास दर जो है वह क्या है, तो अपेक्षित जो विकास दर है वह है 7.0%, ऑप्शन नंबर बी है सही। शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक कहाँ आयोजित किया गया, तो इसका जो आयोजन किया गया फ्रेंड्स वह किया गया अस्ताना कजाकिस्तान में, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद जो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 122, देखिए इसमें कह रहा है कि सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने मानव जनसंख्या का अध्ययन किया था, किस वैज्ञानिक ने अध्ययन किया था, तो ये अध्ययन किया था मालथस ने, ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही। निम्न में से कौन सी खाद्य श्रृंखला सीधे और ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती है, कौन सी वह खाद्य श्रृंखला है, तो वह हो जाएगा मलवा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है कह रहा है कि मिल्बेमाइसिन का उपयोग किसके उन्मूलन में किया जाता है, किसके उन्मूलन में किया जाता है, तो ये कृषि कीटक के रूप में ऑप्शन नंबर बी है सही। किस जीवोम की भूमि अम्लीय तथा अल्प खनिज पदार्थ वाली होती है, तो यह होती है शंकुधारी वन की, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है सही आंसर। सौर ऊर्जा सोलर एनर्जी का कितने प्रतिशत भाग पृथ्वी को प्राप्त होता है, कितने प्रतिशत भाग पृथ्वी को प्राप्त होता है, तो वह होता है 51%, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी दिया है देखिए सही आंसर हो जाएगा। मृदा में चूना मिलाने से मृदा क्या होता है, मृदा क्या होता है, तो कम अम्लीय हो जाता है फ्रेंड्स, जो कि ऑप्शन नंबर सी है सही आंसर। प्रजातियों के उनके प्राकृतिक आवास में सुरक्षा और संरक्षण को क्या कहा जाता है, तो याद रखना है इसे कहा जाता है इन सीटू संरक्षण, जो कि ऑप्शन नंबर ए है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल में डिटर्जेंट मिलाकर ग्रीस आदि के दाग हटाए जाते हैं क्योंकि, क्योंकि यह क्या होगा, तो उपर्युक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा, एक से अधिक ठीक है। ये तेल व जल के मध्य जो पृष्ठ तनाव को घटाता है, डिटर्जेंट के अणु द्वारा धब्बा का निलंबन हो जाता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा इसका, एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन से ईंधन प्राकृतिक या कृत्रिम ईंधन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा गैसीय ईंधन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है सही आंसर। धूम कोहरा किसके संयोजन से बनता है, धूम कोहरा जो है वह किसके संयोजन से बनता है, तो ये बनता है देखिए उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। धुआं और कोहरा के साथ साथ नाइट्रोजन के ऑक्साइड, प्रकाश एवं ओजोन तथा हाइड्रोकार्बन के संयोजन से जो है धूम कोहरा बनता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा एक से अधिक इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि जिन तत्वों में धातुओं और अधातुओं के बीच के मध्यवर्ती गुण होते हैं उन्हें उपधातु निम्नलिखित में से उपधातु कहा जाता है, निम्नलिखित में से किसे उपधातु के रूप में जाना जाता है, तो इसमें जो है देखिए जर्मेनियम को उपधातु के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से ल्यूकोसाइट्स रक्त में हेपरिन और हिस्टामाइन छोड़ते हैं, तो वह हो जाएगा बेसोफिल, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी दिया है इसका सही आंसर हो जाएगा ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न जो है इस प्रश्न को देखते हैं 134 नंबर में, कह रहा है कि नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन कहाँ पर होता है, तो इसका उत्पादन होता है वृषण में, ऑप्शन नंबर बी है सही आंसर। अगला प्रश्न है रुधिर में एंटी स्कंदन पदार्थ क्यों मिलाया जाता है, क्यों मिलाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सोडियम ऑक्सलेट हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ से जो है अब देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन स्टार्ट है, तो आप लोग इसको खुद से सॉल्व कर लीजिएगा ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का जो सेशन था वो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, और पिछले जो दो वीडियो अपलोड किए हैं फ्रेंड्स, अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर एक और दो को, तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया, आप लोग यहां से भी देख सकते हैं। तो ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।